इससे खूबसूरत मैंने इस मॉडल में गाड़ी नहीं देखी आज तक। वो गल है कि जी ना भाईजन साहब जो मॉडल का जो चीज़ होंगी उ लगाई जाती है, ऐ नहीं होंगे कि भाईजन इन वो ठोक दी है दूजा। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल मानसा फैजान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत सी यूनिक से यूनिक गाड़ी दिखाते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो चैनल वन पे गाड़ी है ग्लासकोट रिटेलिंग के लिए आई थी, पहले भी आई थी, थोड़ी कंप्लेंट थी, उनकी गाड़ी दोबारा बुलाई है, उन्हीं पैसों में बुलाई है, कोई पैसे चार्ज नहीं किए इनसे, लेकिन फाइनली गाड़ी में थोड़ी कमी थी। हमने भाईजान को बताया कि आपकी गाड़ी वॉर्ड में पूरी मुकम्मल तैयार नहीं है, तो उन्होंने बोला भाईजान जो कमी है इसकी पूरी कर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कमी भी दिखाएंगे। और फाइनली गाड़ी बड़ी खूबसूरत है, उनकी जीप इससे खूबसूरत मैंने इस मॉडल में गाड़ी नहीं देखी आज तक। फ्रंट से फेस अप लिफ्ट हुई है गाड़ी, लेकिन उन्होंने लाइटें लेक्सी स्टाइल डलवाई हुई है। साहब भाई ऐसे ही है जी भाई जी। साहब भाई मैं थोड़ा बताता हूँ, कैमरा मैन है आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। साहब भाई कैमरा मैन अगर अच्छी ना हुई तो मैं भाईजान कान पकड़ा दूंगा इंशाल्लाह। और भाईजान लेक्सी स्टाइल हेडलाइटें लगी है इस गाड़ी को। फ्रंट ग्रिल उनकी अगर देखे तो ब्लैक कलर में उन्होंने पेंट करवाई हुई है, बड़ी खूबसूरत। सामने उन्होंने एक एंटीना लगवाया हुआ है, साइड मिलर लगवाया हुआ है, और बहुत ही बल्की हेड दे रही है गाड़ी को। और फ्रंट के ऊपर अगर बात की जाए तो फ्रंट बम्पर ग्रिल के अंदर भी उन्होंने क्रोम की स्टील की ग्रिलें लगाई हुई हैं, और फ्रंट बॉडी किट इसकी वॉल्ट की उन्होंने इंस्टॉल करवाई हुई है, क्योंकि ये गाड़ी जब वॉल्ट थी हमारे लिए बनानी, वॉल्ट को मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल था। हमने कहा क्यों ना इनकी गाड़ी मुकम्मल की जाए, रोड पर चलती मुकम्मल वॉल्ट स्टाइल ये लुक दिखाए, तो उसी के लिए हमें इस गाड़ी के लिए दुबई से ओवर फेंडर मंगवाने पड़े, और ओवर फेंडर इनको हमने इंस्टॉल करके दिए, और ये अब मुकम्मल वॉल्ट स्टाइल में दे रही है हमें। और उसकी वजह है कि इस गाड़ी को अलॉय रिम भी बड़े खूबसूरत लगे हुए वॉल्ट स्टाइल में, और अब मुकम्मल गाड़ी हो चुकी है। ये अलॉय, ये ओवर फेंडर आपको पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिलते ऑटो चैनल वन के अलावा, क्योंकि आपको पता है आपके लिए मेहनत करते हैं, दिन हो चाहे रात हो, जो प्रॉमिस होता था उस प्रॉमिस के ऊपर पूरा उतरते हैं। और फाइनली हम लोग भाईजान इस गाड़ी के ओवर फेंडर दिखाते दिखाते अगर साइड प्रोफाइल पर आएँ तो साइड प्रोफाइल भी इनकी बड़ी खूबसूरत है गाड़ी की। डोर मोल्डिंग थोड़ी बड़ी लगी हुई थी साहब भाई, थोड़ी चेंज करनी पड़ी ओवर फेंडर की वजह से जी भाई जान। पहले लगी हुई थी ओल्ड मॉडल की, तो न्यू मॉडल में आती छोटे वाली वो लगाई, और बैक के पास उसका बैक ओवर फेंडर का वो लगता है पीस वो भी लग रहा था सर। उससे पहले मैं थोड़ा रूपार की बात करना चाहूँगा, रूपार इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लगाए हुए ब्लैक कलर में, सिल्वर एंड क्रोम लेटेस्ट मॉडल में ये चीज़ ऐसे ही आती है, और उसी को उन्होंने पूरा माशाल्लाह कॉपी किया हुआ है। और अभी जो साहब भाई बात कर रहे थे उसी बात कर रहे थे ओवर फेंडर पर, पीछे से भी बड़ी बल्की हेड दे रही है, और इसी के साथ ही भाईजान ये ओवर फेंडर भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और वो मोल्डिंग बड़ी थी साहब भाई पहले भाईजान, वो बड़ी थी, वो पूरे डोर पे आती थी ना। सही है, तो डोर के ऊपर पीस डिस्टर्ब कर रहे थे इसे, इसीलिए अब पूरी मुकम्मल नए मॉडल की मोल्डिंग भी लगी उनके मॉडल के हिसाब से, और गाड़ी भी मुकम्मल तैयार हो गई, और उसी तरह पीछे से भी लॉयडिंग दे रहा है लुक बहुत ही खूबसूरत। साइड प्रोफाइल की बात करें तो अभी इसके ऊपर रूपार बताएँ या स्पॉइलर बताएंगे पीछे से, इसे 60 एनिवर्सरी लोगो लगे हुए हैं साहब भाई। इस मॉडल को जेन्युइनली 60 एनिवर्सरी आते हैं, नॉट मतलब 70 एनिवर्सरी, 70 एनिवर्सरी नया मॉडल वो नए वाले पे आते हैं, लेटेस्ट नए में होते हैं भाईजान। वो गल है कि जी ना भाईजान साहब भाई जरा मॉडल का जो चीज़ होती उ लगाई जाती है, ऐ नहीं होंगे कि भाईजान इन वो ठोक दिए दूजा। बिल्कुल, और कार्टून ना बन जाए गाड़ी, कार्टून नहीं बनानी भाईजान, मतलब टेक्निकली गड्डी बनानी, और बेहतरीन इसको स्पॉइलर लगवाया हुआ भाईजान ने, ऑटो चैनल वन पे भी आपको मिलेगा साहब भाई। आपको पता है इसकी जनरल ब्रेक लाइट इधर होती है, और फिर भी इस पर भी लाइट है, और बॉयलर पे भी लाइट है, और गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है अपनी स्पॉइलर से भी, और उसी के साथ इन्होंने वॉल्ट का स्पॉइलर भी बड़ा खूबसूरत लगवाया हुआ है, और बैक लाइटें 3D अमेरिकन स्टाइल में आती हैं, और यार पकड़ी नहीं जाती, क्या बात है यार लाइट की साहब भाई, अखीर ही लाइट है यार। और इसी के नीचे इन्होंने बैक बम्पर लाइट भी LED वाली इंस्टॉल करवाई हुई है, बैक बॉडी किट भी वॉल्ट में फिट की हुई है, और उसके नीचे इनको जेन्युइन कैट बैग लगा हुआ ड्यूल एग्जॉस्ट वाला, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है, और खूबसूरती के साथ साथ ये गाड़ी को साउंड भी देता है, क्योंकि जो जेन्युइन चीज़ होती है साउंड देती है, अगर जो नॉन जेन्युइन होती है वो पानी डिस्टर्ब कर दी, तंग कर दी है, कोई यार होगी वाजा लगा लिया काना पारन वाला, बिल्कुल वो ये भजन साउंड भी देती है, और बड़ी खूबसूरत इसकी आवाज़ है, जैसे रोड पर गाड़ी खींचे स्मूथनेस आवाज़ आती है, और बड़ा ही खूबसूरत लगता है गाड़ी में बैठ के। अगर ये साइड पे भी बात करें तो उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बल्की हेड होगी। अभी इसकी मैं फाइनली दिखाना चाहूँगा, डिटेलिंग साथ साथ दिखाता जाऊँगा,
ये 22 से तो ग्लास कोट हो चुकी है, अंदर से डिटेलिंग गाड़ी हुई है, वो कितनी ये पास है, क्योंकि हमने पहले भी बताया किसी और अदारे से करवाई थी, अभी इस अदारे ने माशाल्लाह तो गाड़ी में जान डाल दी है, ज़रा नज़र आ रही है साहब भाई, नज़र आ रहा भाई देख, ये रूम पूरा ऑन हुआ है तो नज़र आ रहा है। और अभी इस दरवाज़ा भी गाड़ी का मैं खोलूँगा, इधर से भी दिखाना चाहूँगा साहब भाई, इधर से भी बड़ा खूबसूरत आ रहा है। और इसी के साथ साथ भाई जान मैं अगला दरवाज़ा भी खोलूँगा तो अंदर आ जाएंगे इंटीरियर के ऊपर, यार कमाल गाड़ी है माशाल्लाह, मैट भी इसमें बहुत ही खूबसूरत साहब भाई, कौन से मैट है यहाँ ये, इसको लेवन डी मैट डला हुआ है, ये लैंड क्रूजर का जो इसकी अपनी फिटिंग है, क्या बात है, वो वाला इसको मैट लगा है, इसके साथ डोर सील लगे हुए एलईडी वाले, सही है, जो कि इसकी लाइट ऑन करते हैं, क्या बात है साहब भाई। अंदर से इंटीरियर की अगर बात करें, ये जनरल गाड़ी कौन सा मॉडल है, 13 से 15 वाला मॉडल है ये गाड़ी, 12 से 15 वाला एक ही मॉडल है, सही है, 15 वाला मॉडल है, इन्होंने जनरल इंटीरियर भी डलवाया हुआ अंदर, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है जो डैशबोर्ड के साथ। लेकिन जो हमारा 98 मॉडल 2002 मॉडल गाड़ी हम तैयार करते हैं साहब भाई, उसमें भी कोई भी फर्क नहीं अब रह गया, जापान के बिल्कुल पास चले गए भाई। मैं वही देख रहा हूँ कि ये डैशबोर्ड की जैसे फिटिंग्स आती हैं, इसके इंटीरियर की फिटिंग बैठी हुई है प्रॉपर, ऐसे ही ओरिजिनल गाड़ी आ गई ना, तो हमारे जो 98 करते हैं उस पर भी ऐसे ही होता है, सही है। जैसे दरवाजों की पोशी दिखाएं करते तो ऐसे ही बने होते हैं हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह। और यार मज़ा, अब ना मेहनत तो बढ़ती जा रही है लेकिन गाड़ियों में क्वालिटी भी आती जा रही है ऑटो चैनल मन की, और यही कामयाबी का राज है आपको पता साहब भाई, नहीं तो बाकी भी मार्केट में इतने लोग काट रहे हैं, हर बंदा पाकिस्तान में आपको पता है दूर दूर से, इवन अमेरिका, इंडिया, चाइना, कहाँ कहाँ से लोग हमें कॉपी कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं इधर आके अपना एक दाड़ा दूसरा खोल रहे हैं, और कई लोग तो ये कह रहे हैं हम गाड़ियाँ भेज रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से, इंग्लैंड से भी हमारे पास गाड़ी पहुँची, और इंशाल्लाह इसी वीक में हम इंडिया से भी एक गाड़ी पिक करेंगे साहब भाई, वाघा बॉर्डर से, उसका भी पूरा व्लॉग करेंगे। यूके में भी गाड़ी फिट करवाई है आपने, यूके में भी गाड़ी फिट करवाई है यार, सामान भी ज़्यादा आपको पता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यार प्रोफेशनल है, हम कौन सा माँ के पेट से सीख के आए हैं, अंदर से सीखा, फन बांटना चाहिए, इससे इलम बढ़ता है, हमें कोई भी टेंशन नहीं, हम इसीलिए साहब भाई हर चीज़ दिखाते हैं, अपने व्यूज़ को दिखाते हैं, अपने कस्टमर को दिखाते हैं, किसी से कोई चीज़ नहीं छुपाते यार, भाईजान अस्सी के कोई नाल लग जाना मर गए थे कल दूजा देने भाईजान। और अभी इसी के फाइनली बात करते हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत कार है यार इनकी, तो अल्लाह पाक इनकी गाड़ी इनको चलाना नसीब हो माशाल्लाह, और डिटेलिंग कोटिंग में यार मज़ा आया, नज़र आ रही है चीज़। तो भाईजान इसकी इसके रूम की जो सीट्स हैं वो भी मैं कलर देख रहा हूँ कैमल कलर में, जो ओरिजिनल आता है 18-20 में, वही कलर इसको इसमें किया भाई, बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने कोशिश करवाई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैमल कलर है, जेन्युइन गाड़ी में यही कलर है, बैक से भी रूम इसकी सीटें दिखाओ, ब्लैक ग्रे के साथ इतना वो कॉम्बिनेशन हो गया है ना गाड़ी का कलर, तो माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है यार, लोग सेम करवाते हैं तो मज़ा नहीं आता, ये उन्होंने बड़ी उनकी चॉइस पे मैं बड़ा मतलब खुश हूँ इस चीज़ से कि यार अच्छा, कमाल चीज़ हुई है, कस्टमर चॉइस भी अच्छी है 100% मुझे बहुत कार मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं क्योंकि कोई चीज़ शोधापन किसी में नजर नहीं आ रहा सर, मुझे बड़ी पसंद आई है गाड़ी माशाल्लाह, गाड़ी पूरी रेडी हुई है बाहर से अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह, बट शोखापन कहीं पे भी नहीं, कहीं भी नहीं यार माशाल्लाह, गाड़ी बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। इसी के साथ इसको फिर फ्रंट से देखेंगे गाड़ी को तो मजा कमाल है यार, इंटीरियर भी उन्होंने पूरा मुकम्मल किया हुआ, फ्रंट से भी गाड़ी पूरी मुकम्मल बनी हुई है, बोर्ड में जो कमी थी हमने ओवर फेंडरों में निकाल दी। मैं आपके इसी के साथ बताता चाहूँगा कि ऑटो चैनल वन पे ये ग्लास कोट हुई थी गाड़ी, पहले उनको पसंद नहीं आई थी ग्लास कोट के, बिल्कुल पैसे हम लोग पे नहीं कर रहे साहब भाई भाईजान से, अच्छा तो आपको पता है कंप्लेन में भाईजान 100% करके देते हैं हम लोग भाईजान, बड़ी बात है मार्केट में तो लोग मानते भी नहीं है बिल्कुल, मार्केट में भाईजान मैंने तो ऐसी भी बातें सुनी है, 4 दिन बाद कहते हैं कोई कंप्लेन ही नहीं है, ये गाड़ी हमारे पास कम भाई 2 माह बाद आई, उन्होंने कहा मैं डिटेलिंग में पसंद नहीं थी गाड़ी, आप दोबारा करा दें, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ वो सारा सर, 100% कस्टमर को सर्विस देंगे तो कस्टमर भी आएगा, देखें ये नहीं है कि नए कस्टमर को प्रेफर करें, हम कंप्लेन को पहले करते हैं भाई, बिल्कुल ऐसे कस्टमर लूज नहीं करना, कस्टमर लूज नहीं करना, हमारा अदाला कंप्लेन पहले करता है भाई, कि कोई भी कस्टमर हमारा अगर ये वीडियो देख रहा है तो हमारे पास आके देख ले, हमारी चाहत प्यार बोलने में कोई फर्क तो नहीं आया, जो नया काम करवाने आया था या कंप्लेन कराने में आया था, ये इसी के ऊपर आपके कमर्स की भी बहुत वेट रहेगा कि ऑटो चैनल अदारा क्या ऐसे ही करता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान फैजान अली को साहब भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू अल्लाह हाफिज़, साहब भाई आपका बहुत शुक्रिया कैमरा मैनिंग के लिए, थैंक यू भाई, वेलकम भाई।